हमीरपुर की महिलाओं के लिए बड़े ही हर्षोल्लास का विषय है कि कोरोना महामारी के चलते महिलाओं के सशक्तिकरण व उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए कार्यरत अभिनव कलाकार कल्याण संघ ने जूम ऐप पर ऑनलाइन आईवा मिसेज इंडिया तथा क्वारंटाइन क्वीन 2020 प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश की पूर्णिमा जम्बाल ने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत के हर हिस्से से लगभग 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न चुनौतियों से गुजरकर 20 प्रतिभागियों ने फाइनलिस्ट में जगह बनाई है, जिसमें पूर्णिमा जम्बाल भी शामिल है। आपको बता दें कि पूर्णिमा जम्बाल पेशे से साइंस की अध्यापिका हैं और राजकीय उच्च पाठशाला डुग्गा में कार्यरत हैं। पूर्णिमा जम्बाल मिसेज इंडिया क्वारंटीन क्वीन की प्रतियोगिता में टॉप 10 में चौथा स्थान हासिल करके थर्ड रनर अप रही हैं और मिसेज इंडिया के फाइनल राउंड में उन्हें वुमन ऑफ सब्सटेंस के टाइटल के साथ ताज से नवाजा गया, जिसे पूरी दुनिया में फेसबुक लाइव के माध्यम से दिखाया गया। पूर्णिमा जम्बाल ने कहा कि आईवा एनजीओ के माध्यम से पहले प्रतिभागी के तौर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और मिसेज इंडिया के फाइनल राउंड में उन्हें वुमेन ऑफ सब्सटेंस के टाइटल के साथ ताज से नवाजा गया, जिस पर उन्होंने खुशी जताई है। पूर्णिमा जम्बाल ने बताया कि जिन महिलाओं और लड़कियों में कुछ कर गुजरने की इच्छा और प्रतिभा है तो वे इस आईवा मंच के माध्यम से निखार सकती हैं। मुख्य अध्यापक मनोज परिहार ने कहा कि वे पूर्णिमा जम्बाल को इस उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिमा जम्बाल इको क्लब स्कूल के सौंदर्यीकरण और बच्चों को निखारने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिमा जम्बाल ने पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल किए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने बताया कि एनएचएम के कर्मचारी कोरोना महामारी के इस दौर में प्रथम पंक्ति में खड़े होकर सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो या फार्मिस्ट हो, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हो या कार्यालय स्टाफ हो, सभी जी जान से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 15 से 20 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देने के पश्चात भी सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। 15 से 20 वर्षों से किसी भी सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। हम कर्मचारी बहुत कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। कर्मचारी संघ वर्षों से रेगुलर पे स्केल की मांग कर सरकार से करता आया है, लेकिन सरकार है कि इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद शर्मा ने बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों में काफी रोष है तथा आने वाले समय में कर्मचारी ठोस कदम उठाने को विवश हो जाएंगे। वर्तमान समय में महंगाई चरम पर है, महामारी का दौर है और नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों का वर्तमान और भविष्य दोनों असुरक्षित हैं। 15 से 20 सालों से जो कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए तो कोई नीति सरकार आज तक नहीं बना पाई और अब नेशनल हेल्थ मिशन में लगभग 150 नई नियुक्तियां कर दी गई हैं। पुराने कर्मचारी बिना किसी नीति और रेगुलर पे स्केल के ही सेवानिवृत्ति तक पहुंच गए हैं। कर्मचारियों का जीवन बर्बाद कर दिया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी अब अन्याय और शोषण सहन नहीं करेंगे तथा साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह करते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए और जल्द से जल्द रेगुलर पे स्केल प्रदान किया जाए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री से नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मिल चुके थे, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों के हित के बारे में सरकार की ओर से उन्होंने आग्रह किया है कि 15 अगस्त को इन कर्मचारियों के बारे में सोचा जाए।